और सुनो सब बढ़िया? नहीं अभी मेरा भी नहीं है क्योंकि मैंने ओपनिंग सोची हुई थी बट सेंस नहीं बन रहा ओपनिंग का, क्योंकि मेरे पास उतने गाने हैं नहीं और जो टॉपिक बताना है उसमें तुम समझ नहीं पाओगे क्यों कर रहे मजा। अरे बेसिकली आइडिया ये था ना कि 3 मिनट हमारे बर्बाद करूँ उल्टी सीधी बकवास करके, तो उसमें मैं बात करता था गाने जो हमने सुने बट असलियत में कुछ और ही लिखा हुआ है, जैसे अपना खली बली हो गया दिल है तो उसमें आता नहीं है बलबीरा कैश वाला बलबीरा गैस वाला मतलब सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट सुनते हैं और किसी को एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम कि वो सब गा क्या रहा है तुम्हें मालूम है तो बता देना, मेरे को जेन्युइनली जानना कि गा क्या रहा है बे किस बात पे इसका दिल खली बली हो रहा है कि बलबीरा गैस वाला है कि बलबीरा कैश वाला है पक्का कैश वाला होगा तभी एक्साइटेड हो रहा है। और ऐसे ही गाना तो अजब प्रेम की गजब कहानी की शाइनिंग इन द मोमेंट समर फील मी का बचपन में गाना था आ थूक कमलू में तेरे हाँ भाई साहब, बाद में जाके पता चला थूक नहीं मर रहा धूप मर रहा है वही सोच रहा था मैं सर ऋतिक्रोच नहीं था ना घटिया इंसान भी नहीं है देखिए तू कर लगता और उससे पहले भी एक आमिर खान का सॉन्ग हुआ करता था खंडाला बचपन में मुझे मालूम नहीं था खंडाला नाम की कोई जगह भी है, मुझे लगता था हाथी का अंडाला कहाँ से अंडाला बोला ना घटिया। अब इस चैनल पे आशीष भैया वाली बात फॉलो करो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मुझे खुद नहीं मालूम होता मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बट फ्लाइंग बीच को पता है, मतलब फ्लाइंग बीच ने यार मेरे को लग रहा है ना इस चैनल को रिवाइव करने के लिए मुझे फ्लाइंग बीच के पास ही जाना पड़ेगा। क्यों? अभी टाइटल देखे उन्होंने, मतलब अभी उन्होंने एक रिसेंटली वीडियो पोस्ट करी जहाँ पे लिखा है ताकि दूसरी बीवी ले आ, हर पति जब कंप्लेन करता अपनी वाइफ को किसी चीज़ के लिए हर पत्नी का जवाब यही होता है जाके दूसरी पत्नी ले आओ। तो अभी किसी वीडियो में वो अपने आप बता रहे थे कि वैसे वो ट्रैवल करते रहते हैं फैमिली के साथ और लोग आके उनकी बच्ची को गाल पे टच करते हैं या किस कर लेते हैं क्योंकि बच्ची क्यूट है ऑफकोर्स गुलमुल हुआ, तो उसी पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ बोला है, सुन लो। सो आई डोंट वॉन्ट कि उसके लिए दुनिया ऐसी हो जाए कि किसी को भी किस करना नॉर्मल है, क्योंकि वो एक बच्ची है और वो एक लड़की है तो इस चीज़ का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके दिमाग में ये नॉलेज कि हाँ एनीबॉडी कैन किस यू एंड इट इज नॉर्मल, सो शी विल नॉट फील द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टच एंड अ बैड टच विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एज अ पेरेंट टू टीच हर। बेसिकली कॉमन सेंस होना चाहिए इंडिया में बट सैडली नहीं है और ये बहुत वैलिड पॉइंट है और अभी से कोई इस बारे में एड्रेस कर रहा वो भी बहुत बड़ी बात है, भले ही अपनी बच्ची सेफ्टी के लिए कर रहा है बट एज अ सोसाइटी हम लोग इतने ग्रो क्यों नहीं हुए मेरे को ये समझ में नहीं आता। इतना मुश्किल होता है लोगों के लिए समझना कि हम जो भी क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो कैमरे से बात कर रहे हैं तो भले हम अपनी लाइफ के बारे में कितना भी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे और तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता हो बट अगर हम रियल लाइफ में कभी इनकाउंटर कर रहे हैं तो हम पहली बार मिल रहा हूँ, मैं तेरे से पहली बार मिल रहा हूँ, मेरे को तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, कई लोगों का तो मुझे नाम भी नहीं पता होगा और इवन जिनका मुझे पता लाइव स्ट्रीम की वजह से उनको मैं शायद रियल लाइफ में पहचानूं भी ना, नहीं पहचान लेता हूँ मैं, कुछ लोग हैं जिनकी डीपी नहीं देखी मैंने, बाकी तो चेहरा याद ही रहता है मुझे। अरे मेरी याददाश्त बहुत तेज है गजनी हो गया हूँ मैं, गजनी नहीं क्या नाम था उसका भाई, अजय सिंघानिया नाम क्या था, कौन देखता मूवी विजय तीना चौहान, यार सही बताऊँ इनके नाम सुन फिर भटक रहा हूँ मैं टॉपिक से, इनके नाम सुन के लगता है यार अपने घर वालों ने एफर्ट नहीं मारा नाम रखने के लिए, मतलब अभिषेक और दूसरे बंदे का नाम अभिषेक है, नाम विजय भी चलता है मेरे को बट सरनेम तो सही से लगता है यार विजय तीना चौहान अरे अजय सिंघानिया अबे तूने कभी देखा इन लोगों जैसे सिंघानिया और चौहान सब कभी भी नहीं मानते, ये रईस लोगों के नाम है, हमारे घर वालों को पता था हम गरीब है, हाँ अभिषेक ले लेते क्यों क्योंकि अगर कभी कोई आपदा हुई तो सबसे पहले तेरे को रखेंगे हम, अच्छा नाम का मीनिंग है मेरे विक्ट्री सेलिब्रेशन, अबे तू आगे क्यों रख रहे हो, पीछे रखो ना जीत के अबे तब मैं आऊँगा, नहीं नहीं तू आगे रख, दूसरी चीज़ क्या अबे यार इन्जॉय करो लाइफ में, बोर थोड़ी कर रहा हूँ, आई नो घटिया जोक मारता हूँ कभी कभार बट गुस्सा तो नहीं दिलाता मैं, क्रिंज दिला सकता हूँ गुस्सा नहीं तुम्हें तो पता है मेरा मन बिल्कुल नहीं कुछ भी बात करने का इसलिए मैं उल्टी सीधी बात करूँगा, अबे बड़ा मज़ा आता है उल्टी सीधी बात करने में, अभी मैं तंग हो गया और वीडियो फुटेज दिखा दिखा के और आज आज से ज़्यादा नहीं होगा ऐसी है कि जब मैं मेहनत करनी पड़े और पागल मेहनत मैं बुजुर्ग हो गया हूँ यार मैं मतलब अजय से याद आया मैं कहाँ पर फंसी हूँ, कैरी मिनाटी के बारे में बात करना था क्योंकि अभी कैरी मिनाटी गुस्सा हो गया GTA 5 पे और मेकर्स को झाड़ने लग गए क्योंकि इतने सारे हैकर्स हैं GTA के अंदर, मैं कहा पहले तो झाड़ो से कितनी हैवी फाइल बनाई क्यों है, अब कितनी हैवी फाइल पता है GTA 5 हाँ मैंने डाउनलोड की थी पर खेला नहीं अरे बहुत मज़ा आने लग जाता है यार गेम्स आर फन और सिर्फ यही नहीं अभी उनका जो फ्रस्ट्रेशन था वो शॉर्ट्स पे भी निकला
जहाँ पे उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यार प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक शॉर्ट्स के लिए अलग से ट्रेंडिंग पेज बना दो। अबे जब से ये शॉर्ट्स आया ट्रेंडिंग पेज में ना जिंदगी बर्बाद हो गई, वरना मेरे पास एक टॉपिक का आइडिया रहा हमेशा रहता था कि हाँ ट्रेंडिंग पेज पे कुछ ना कुछ तो आगा ही होगा। अब पहले मुझे लगता कुछ ना कुछ आगा होगा, अब तो पूरी टट्टी चल रही है वहाँ पे। आशीष आशीष भैया भी चल रहे हैं न्यूज़ में, न्यूज़ में क्या चल रहा है उनका नॉर्मल चलता रहता है वैसे, कि मतलब उन्होंने कोई मराठी मूवी है उसकी तारीफ कर दी कि धीरे धीरे कैसे उसका क्रेज़ बन रहा है और अभी तक चल रहा है 3 वीक से ऊपर हो गया, तो उस पर किसी ने बोला पेड ट्वीट है और आशीष भैया एक्सप्लेन करे कि मेरा ओपिनियन है इसी में पीट गया है। मैं कहा सच में तुम इतने बेवकूफ हो हैं, अगर आशीष भैया ऐड करते हैं बताते हैं ना वो ऐड कर रहे हैं, और एक जेन्युइन ओपिनियन और एक ऐड का डिफरेंस तुम पढ़ के बता सकते हो कि ये ओपिनियन है उनका खुद का, कोई गन पॉइंट पे नहीं बोल रहा या पैसे नहीं दे रहा उस चीज़ के लिए, नहीं नहीं यही चीज है। अबे अरे चलो मारो आशीष भैया, इतना इनको रिप्लाई दोगे तो सर पे चढ़ाना होता है, और जब सर पे चढ़ाते हो ना किसी को तो मुँहता ही मुँहता है और अपने पे ही गिरता है फिर सब कुछ। सही बात है, कभी बच्चे बचपन में कैसे किसी की गोद पे सर पे चढ़ते थे और फिर मुँह देते थे उसी के ऊपर, है ना? नहीं नहीं तो पाप लगे, मैं तो आज भी करता हूँ। सही बात है, कुछ भी कुछ भी। बाकी सौरव जोशी से नहीं करनी न्यूज़ मुझे। अबे सौरव जोशी शायद टी सीरीज के साथ काम कर रहा है, किसी फेमस सिंगर के वीडियो में आने वाला है, तो उसी के ऊपर फिर वही नौटंकी चल रही थी उनके कि हाँ मेरे को इसका फेवरेट सिंगर कौन है, वो बोलता है अरिजीत सिंह। नहीं नहीं मैं इसके फेवरेट, अबे तूने मना किया अरिजीत सिंह नहीं है तो फिर दूसरा क्यों पूछ रहा है? अबे भाई गॉड, ताने वाने में बड़ा मजा आता है, रेंटिंग ही करनी चाहिए मुझे, सही बता रहा मैं, क्योंकि पूरी दुनिया में तो वॉर चल रही है। अबे पेशावर में ब्लास्ट होने भाई, तो मतलब पाकिस्तान में ब्लास्ट होने शुरू हुए, अभी कश्मीर में किसी ने ग्रेनेड फोड़ दिया था, बहुत बुरे हालात है भाई साहब, बहुत बुरे। तौबा तौबा तौबा, यू अबे इतने बुरे हालात है, बट इंडियंस टेढ़े ही हैं, हम अपने वही अपना ही है, टेढ़ा है पर मेरा है। मतलब यूक्रेन से तुम्हें मालूम बच्चे बोल रहे हैं अरे हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें वापस बुला लो, और गवर्नमेंट अपना बेस्ट ट्राई कर रही है। वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे, मतलब कुछ दिन पहले बताया था कि कुत्ते के लिए नहीं आ रहा, अभी भी पता चला है कि एक डॉक्टर है, पेट डॉक्टर है, जो एक जैगुआर और एक ब्लैक पैंथर, मतलब काला है पैंथर है, उसके चक्कर में नहीं आएगा, कहता मैं इनको अपने बच्चों जैसा प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं बढ़िया, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए, सही बोलना इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बता रहा है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पर रशियन आर्मी ओवरटेक कर चुकी है। मैं कहा ठीक है, अभी ओवरटेक हो चुका है और सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, फिर खाना ख़त्म हो जाएगा, और जब खाना ख़त्म होगा जानवरों को गुस्सा आएगा। बाप को खाने का मज़ा ही कुछ और है। सही बात है, ये तो अच्छा था यार, अंदर से ढिंचे पूजा निकल के गा रही है, डैडी दे दे थोड़ा कैश, करनी है मुझको ऐश, आगे मैं मान लूँगा ना, पता चल गया ना आज मैं कितने अच्छे मूड में हूँ। आज आज देख लूँ चैनल पे, अभी लाइव स्ट्रीम करूँगा, मालूम है वहाँ पे मूड खराब करोगे तुम। हाँ एक गर्लफ्रेंड और तुम्हें कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है, मूड अच्छा है तेरा, चलो खराब करती हूँ। अबे साले गौरव जोन कई अपडेट लेके आया है मेरा भाई न्यूज बॉय, हमारे दूसरे चैनल के संवाददाता भाई, अगर टाइटल बनाने के लिए तुमने किया ना ये बता, सच होता तुम्हारा तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गौरव जोन जेल में कि घर पे, पता तो तुझे ही। जब हिंदुस्तानी भाव को दंगा उकसाने के जुर्म में 4 दिन के लिए जेल में डाल के बेल मिल गया, उसको तो आराम से मिल जानी है। मुनावर फारूकी को भी 3 महीने तक था, जबकि पूरा इतना बड़ा ड्रामा था उसका, तो इसका तो कुछ भी नहीं था अभी। अरे चिल रिलैक्स, सब ठीक है, वो रेस्ट ले रहा अपना, यहाँ मे भी शादी करने गया क्योंकि ट्रांसप्लांट तो करा ही लिया था उसने, है ना? और पूछने भी किसके पास गया, उसके दोस्त के पास जो उसके साथ काम करता है। मतलब तुम मेरे पास आके मेरा बिजनेस आइडिया पूछोगे चलो मैं तो बता ही दूंगा, बट कंपनी के पास जाके पूछोगे थोड़ी बताएगा वो कि हाँ उसने कैसे इतना बड़ा पैसा बनाया, कोई थोड़ी बताता है, वो सिर्फ मोटिवेशनल कोड देते हैं, हाँ मेहनत करो। हाँ मेहनत तो कर लूंगा बट किसके लिए, कैसे? मेरे लिए ऐसे। सही बात है, साला रॉक साला क्या देख लो ना, जो रेसलर एक्टर द रॉक है, क्या बकौदी देता है, कहता 4 बजे उठो, 4 मैंने कहा है 4 बजे सोने का टाइम नहीं होता, अबे 4 बजे उठ के जिम विम कर रहा है, अबाउट ड्राइव, अबाउट पावर, इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट आवर, अबे आई गॉट, फेमस लोग इतनी बकवास करते ना मजा ही आ जाता सुन के मुझे। कुणाल कामरा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसने अभी 18 लाख रुपये खर्च करके एक स्टैंड अप स्पेशल बनाया और उसे यूट्यूब पर डाल दिया, और तुम्हें मालूम है रिसेंटली हम सब किस बारे में बात कर रहे हैं, यूट्यूब मनी के बारे में, और यूट्यूब को हम क्या कहते हैं, हरामी यूट्यूब। तो 10 लाख से ऊपर ज़्यादा व्यूज आए उस पर, 11 लाख व्यूज आए, और उस पर उसने केवल कितना $200 बनाया मेरे ख्याल से, तो इस पर बहुत सारे लोग उसे क्रिटिसाइज करने लग गए कि यार नहीं 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 गलत कर रहा है। आई मीन सीरियसली, तुम 18 लाख खर्च करके तुम्हारे पास 11 लाख व्यूज आ रहे हो और तुम सिर्फ 12,000 रुपये कमा रहे हो, क्या करो, कैसे जस्टिफाई करो, कैसे? नहीं नहीं हमने इतना करोड़ इकोनॉमी में दिया है, इसको करो जस्टिफाई। मेरे को तो बड़ा मजा आया कि इसने स्क्रीनशॉट डाल दिया कि हाँ
कि 11 लाख व्यूज हैं और $200 भी नहीं बने, तो समझ रहा है, मतलब 10 लाख 11 लाख जो व्यूज लेते हैं ना जो ओकेशनली वीडियो डाल रहा है, अगर वो ऐड ना डाले अपनी वीडियो में, इंटीग्रेशन ना दे, तो उसका पूरे महीने में 10-12 हज़ार ही बनने वाले हैं। तो मैं क्यों लगा कि मैं डेली क्यों आता हूँ क्योंकि अगर मैं एक वीडियो डालूंगा ना, मेरा तो कुछ मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा अबे सच में। इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कम व्यूज आ रहे हैं बट इकत्तीस दिन काम करना पड़ता है। अबे हमारे पास वो प्लेजर नहीं है ना कि हम यूट्यूब प्रीमियम में आ जाए या उनके गुड ग्रेशियस में रहे। और एक मिनट, ये कैलकुलेशन मेरे पे अप्लाई मत करना, मेरा इससे बेटर चलता है, ठीक है, बकवास नहीं चाहिए मुझे। ओए तू तो गरीब है। हाँ तो मैं कब बोल रहा था अमीर हूँ मैं साले, मैं तो तब से चिल्ला के बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के स्कीमें बता रहा हूँ तुम्हें और कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी तो डेली वीडियो करने के लिए पड़ती है कि भीख ना मांगनी पड़े। सही बात है, चलो खत्म कर रहे हैं, अगर आप इंजॉय किया तो लाइक कर देना। अबे अच्छा मूड में हूँ मैं, तो ऐसा कोई फालतू न्यूज़ कवर करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, इधर उधर की बात करके बकवास कर दी। बकैती करने का मजा ही कुछ और है, बट बकैती पर कोई देखना ही नहीं आता मेरी। है अभी प्यार नहीं करता तुम मुझसे, क्यों नहीं किया लाइक फिर तुमने, हैं आराम ही हो रहे हो तो लाइक कर दो। अगर एंजॉय नहीं किया तो ये भी एक और वीडियो जो आज सेकंड चैनल पर डाली है, बड़ी सही है। अगर तुम्हें कल की वीडियो पसंद आई थी तो ये वाली वीडियो और पसंद आएगी। बाकी पीस आउट।